हिंदी भाषा के प्रति रुझान नहीं है। देखा जाता है कि प्रत्येक युवा अंग्रेजी को महत्व देते हुए हिंदी भाषा को अपमानित करते हैं। कहीं न कहीं यह हम सभी भारतीयों के लिए शर्मिंदगी की बात है। निसंदेह भारत में हिंदी सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है। हालांकि अंग्रेजी के प्रति अभी भी भारतवासियों का झुकाव है और इसके महत्व पर स्कूलों और अन्य स्थानों पर जोर दिया जाता है, परंतु हिंदी हमारे देश की सबसे व्यापक रूप से बोले जाने वाली भाषा के रूप में बोलती है। 2001 में आयोजित जनगणना में 422 लाख से अधिक लोगों ने अपनी मातृभाषा के रूप में हिंदी का उल्लेख किया। देश में किसी भी अन्य भाषा का कुल आबादी का 10% से अधिक उपयोग नहीं किया जाता। हिंदी उन्हें हिंदी दिवस के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। जय भारत, जय हिंद। ये मैंने अपने आप को एक छोटे से बच्चे के रूप में देखकर लिखा है।
और मेरे यहाँ पर जितने भी सहभागी है उनसे मैं क्षमा चाहूंगी अगर मैंने आपके लिए कुछ गलत लिखा है। मतलब आप लोग भी मेरी कविता स्टाफ रूम का आधा घंटा ये जो आधा घंटा हमें मिलता है ना ये उस आधे घंटे का पूरा वर्णन है। तो आप लोग भी सोच सकते हैं कि हम उस आधे घंटे में क्या कर रहे हैं। स्टाफ रूम का आधा घंटा सबसे अच्छा समय है मेरे पूरे दिन का। पकवान से भरा हुआ हर मेज अदला बदली खाने की करता है हर एक तीन टेबल और हम 13 लोग सोचो कितना मजा आता होगा हर रोज। कैंटीन का समोसा है एक सौदा ये मेरे लोग समझते हैं मैंने क्यों बोला ये। कैंटीन का समोसा है एक सौदा लेने के बाद हमें लगता है वो ओझा। लालच नहीं है दोस्तों वो एक मजबूरी है ना लोग तो लगता है समोसे से बड़े भी बुरी है। अब मैं बात व्याख्या करना चाहूंगी हमारे टिफिन का ठीक है। अब आप लोग सब सोच रहा हम क्या क्या खाते हैं ज्योति नाम के पकवान के क्या कहने महमूदा मैडम महमूदा मैम के खानवी और सेवरियों का क्या कहना नियम है कि वो उन्हें ही है खिलाना। प्रेमलता मैम भी कम नहीं है पकाने में हर व्यंजन को बनाकर आप मानेंगे। सेहत का हमारे पूनम ध्यानी रखती है पूरा ख्याल दूध दही पनीर गत्ता बनाकर खिलाती है हलवा। हर राज्य का खाना हमारे स्टाफ रूम में आता है हर राज्य का खाना हमारे स्टाफ रूम में आता है। सोनिया का खेलना हमें गुजरात की याद दिलाता है। खाना हो और न हो अचार की बात तो बुरा लगता है साधन धन के द्वारा वो भी हमें खाने को मिल जाता है। टेबल का नीला होना कोई जरूरी है जिसकी जिम्मेदारी रश्मि बिंदल मैम निभाती है बखूबी। सैंडविच के बिना नाश्ता अधूरा है जिसे लोग लाकर करके पूरा है। अब आती है मेरी बारी सोचो अब आती है मेरी बारी जो लाती है बनाकर मोमो डिलेट सारी जिसे चेक कर जाते हैं हम सभी मिलकर बारी बारी। लंच टाइम की घंटी सुनकर हमें अच्छा लगता है शायद सबको अच्छा लगता है। लंच टाइम की घंटी सुनकर हमें अच्छा लगता है भूख के मारे पेट में चूहा भी कूदने लगता है। सिर्फ खाना नहीं यहाँ पर बढ़ता सुख दुख हंसी मजाक भी है साथ में बढ़ता न जाने क्यों ये आधा घंटा इतनी जल्दी है बढ़ता। सबसे अच्छा समय है मेरे पूरे दिन का ये स्टाफ रूम का आधा घंटा ये स्टाफ रूम का ठीक है। मैं आपको बताने के लिए आपसे शीर्षक देंगे और ये भी बताती हूँ कि जो कविता है ये मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ आपको हमारे परिसर में आए कुछ नए चेहरे ने हमें घेरा है। ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट जो भी नए में आए हैं आंखों में चमक ऐसी कि भविष्य सुनहरा है। दिखाई देते हैं वे कुछ पुराने चेहरे सेकेंड ईयर फाइनल ईयर जिनसे अब तार जुड़े हैं और रिश्ता कुछ गहरा है। घुल मिल रहे हैं चेहरे ऐसे हैं जैसे नदियों की धारा और बढ़ रहे हैं आगे जैसे लेकिन एक दूसरे का सहारा। इनकी दोस्ती के बारे में लिखा है दोस्ती ऐसी कि कभी ठार बनकर खड़े हैं तो कभी लड़कपन ऐसा बचपन आया तो कभी लड़कपन ऐसा कि हम पट्टी में बात नहीं करते हैं ऐसा भी होता है ना पहले तो बहुत दोस्ती करते हैं बातें नहीं करते हैं। कभी खुशियां तो कभी संघर्ष जिनकी कहानी है जब हम क्लास में बैठते हैं बच्चों से बातें करते हैं तो हमें पता चलता है कि कहानियां क्या है। कुछ बच्चे ऐसे जिसमें पांच लोग जाते हैं खाना बना के बनता सब कुछ कर भी आते हैं तो काफी स्ट्रगल है काफी संघर्ष उनके साथ। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो आफ्टर कॉलेज के बाद जो है कहीं ना कहीं जॉब करते हैं अपनी अर्निंग करते हैं। तो ये है कि कभी खुशियां तो कभी संघर्ष तेरी कहानी है पर जब पर अब चमकना है सितार साथी बात तुझे ठानी है। अब ये लाइन जो है मैं उन नए हमारी छात्रा या पुरानी छात्राओं के लिए है जो जिनके पास बहुत सी जिम्मेदारियां हैं जिनके कुछ छोटे बच्चे हैं और वो अभी अभी घर से निकली हैं तो उनके लिए है। मेरे खरगोश और ये खरगोश वर्णन यूज करे काफी सारे बच्चों के लिए जिनमें कोई जिम्मेदारियां नहीं है और वो मस्ती से उछलते कूदते कर रहे हैं अपने काम तो मेरे खरगोश तैयार रहो इन कछुओं से डरने के लिए। कछुए कौन है जो छोटे बच्चों वाली माए हैं हमारे पास आई तो मेरे खरगोश तैयार रहो इन कछुओं से डरने के लिए घर से निकले के लिए अब बादल से गरजने के लिए और बिजली से चमकने के लिए तुमको बोलना इतने की कभी दिल को रिझाते
उन्होंने बोला था माता रानी वाले के कार्य के बारे में, फ्री कार्डिशन के बारे में। अच्छा मैडम, यस मैम, यस मैम। तो दूसरा इसमें हमें मिल सकता है आप बच्चों के लिए कि अगर आप रेडियो जॉगिंग या कुछ लिखना चाहते हैं, लेखन भी बहुत अच्छा आता है, हिंदी भाषा में रहोगे और किसी अपने मनो भाव को आप अपने पेपर में लिखते होंगे तो अपनी खुशी को, तो आप देखिए कितना आसान हो जाता है आपको अभी व्यक्त करने के लिए। अगर आप उसी है तो आपके बहुत कम होता है अगर आपसे लिखना शुरू करें कभी अपनी माध्यम से। और ये जो प्रोग्राम होता है अभी दिवस जैसे पहले भी कई प्रोग्राम में मैंने महसूस किया है कि बहुत कम बच्चे हैं अभी जो अपनी रुचि के हिसाब से पार्टिसिपेट नहीं करते, चाहे भाषा नहीं करते प्रोग्राम की। ऐसा क्यों है? बच्चों के एक छोटे से प्रोग्राम कराने के लिए पूरी एक्सरसाइज होती है और ये आम लोगों के लिए सर्वांगीण विकास के लिए होती है। सिर्फ अगर आप किसी कॉलेज में कहीं पढ़े नहीं हो सीट में या यहाँ की यूनिवर्सिटी में आगे अगर आप एडमिशन लेते हैं तो उसे पूछा जाता है कि आपने पढ़ाई के अलावा क्या किया है। तो यही प्रोग्राम होते हैं, चाहे वो हिंदी के माध्यम से, हिंदी दिवस के माध्यम से और भी प्रतियोगिताएं होती है। तो मेरा अनुरोध है आप सबसे, आप हर तरह के हिस्सा है और हिंदी के हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करें, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट सर ने भी बोला है और सभी प्रतियोगियों को बहुत बहुत बधाई होती है। दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि अगला नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।